मित्रों नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आइए आज हम न्याय वैशेषिक दर्शन में प्रतिपादित गुणों के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वैशेषिक दर्शन में 24 गुणों का प्रतिपादन किया गया है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। मित्रों, आपको इन गुणों को क्रम से याद कर लेना चाहिए। चलिए अब हम गुणों की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। नंबर एक, गुणाः द्रव्येषु एव तिष्ठन्ति, अर्थात गुण द्रव्य में ही रहते हैं। नंबर दो, गुणाः द्रव्येषु संवाय सम्बन्धेन तिष्ठन्ति, अर्थात गुण द्रव्यों में संवाय संबंध से रहते हैं। इन दो बिंदुओं को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अभी हमने चर्चा की कि गुण द्रव्य में ही रहते हैं। आप जानते हैं कि द्रव्य 9 है और गुण 24 हैं। सभी गुण सभी द्रव्यों पर नहीं रहते हैं। कुछ ऐसे गुण हैं जो सभी द्रव्यों में रहते हैं, वो हैं संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग। मित्रों, यह 5 गुण सभी द्रव्यों में रहते हैं, इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। मित्रों, 24 गुणों का विभाग दो प्रकार से किया गया है, विशेष गुण और सामान्य गुण। देखिए, इतने गुण विशेष गुण हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श, सांस्कृतिक द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार के अंतर्गत भावना। और बचे हुए सब सामान्य गुण है, जो कि इस प्रकार हैं: संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, नैमित्तिक द्रवत्व और संस्कार के अंतर्गत वेग और स्थितिस्थापक। यह 11 सामान्य गुण हैं। मित्रों, गुणों का प्रत्यक्ष युग्मों के द्वारा किया जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, किंतु कुछ गुण ऐसे हैं जिनका किसी भी इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है। ऐसे गुण को अतिविंद्रिय गुण कहा जाता है। गुरुत्व, धर्म, अधर्म और भावना नाम का संस्कार, ये 4 गुण अतिविंद्रिय गुण हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से इंद्रिय से कौन कौन गुण ग्राह्य होते हैं। तो पहले हम चक्षु की बात करते हैं। हम 11 गुणों का प्रत्यक्ष चक्षु इंद्रिय के द्वारा करते हैं। रूप, संख्या, दिशब्द, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और द्रवत्व, स्नेह और वेग। ये 11 गुण चक्षुरेन्द्रिय से ग्राह्य हैं। अब हम तेजेन्द्रिय की बात करते हैं। चक्षुष्य ग्राह्य 11 गुणों में से रूप को छोड़कर बाकी 10 एवं एक स्पर्श, इन 11 गुणों का प्रत्यक्ष तेजेन्द्रिय के द्वारा किया जा सकता है। घ्राणेन्द्रिय से ग्राह्य एक ही गुण है, गंध। रसनेन्द्रिय से भी एक ही गुण ग्राह्य है, रस। श्रोत्र इंद्रिय से भी एक ही गुण ग्राह्य है, शब्द। मन से इन 6 गुणों का प्रत्यक्ष होता है, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। मित्रों, चक्षु, त्वक और मन, ये 3 इंद्रिय द्रव्य के ग्राहक हैं, अर्थात इन इंद्रियों से द्रव्य का भी प्रत्यक्ष होता है, किंतु ग्राण, रसना और श्रोत्र, ये 3 इंद्रिय द्रव्य का प्रत्यक्ष करने में असमर्थ हैं। इनके द्वारा गुण आदि का प्रत्यक्ष होता है, किंतु द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है। मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से द्रव्य में कौन कौन से गुण रहते हैं। एक प्रसिद्ध श्लोक है, वायुर्नवैका दशतेजसो गुणाः जलक्षिति प्राणवृतां चतुर्दश, दिक्कालयोः पंच षडे वचाम्बरे महेश्वरेष्टो मनसः तथैव च। इस श्लोक के अनुसार वायुर्नव, वायु में 9 गुण हैं, एकादश तेजसो गुणाः, तेज में 11 गुण हैं, जलक्षिति प्राणवृतां चतुर्दश, जल, पृथ्वी और जीवात्मा में 14 गुण हैं, दिक्कालयोः पंच, दिक् और काल में 5 गुण रहते हैं, षडे वचाम्बरे, आकाश में 6 गुण रहते हैं, महेश्वरेष्टौ, ईश्वर में
आठ गुण रहते हैं, मनसस तथैव च, और मन में भी आठ गुण रहते हैं। इस श्लोक से कौन कौन से द्रव्य में कितने गुण रहते हैं इसको तो हमने जान लिया, अब कौन कौन से द्रव्य में कौन कौन से गुण रहते हैं इस पर भी चर्चा करते हैं। मित्रों, पृथ्वी में 14 गुण हैं, रूपादि त्रयोदश और वेग, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व वेग, ये 14 गुण पृथ्वी में रहते हैं। जल में भी 14 गुण है, पृथ्वी के 14 गुण में से गंध को छोड़कर स्नेह को जोड़ने पर जल का 14 गुण हो जाता है। रूप रस स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह और वेग। अब आया तेज, तेज में 11 गुण है, स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व ये 8, स्पर्शादिष्टव और रूप द्रवत्व और वेग ये 11 गुण तेज में रहते हैं। और वायु में 9 गुण है, स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व और वेग, स्पर्श आदि 8 और वेग तो मिला करके ये 9 गुण वायु में रहते हैं। आकाश में 6 गुण है, संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग और शब्द ये 6 गुण आकाश में है। काल और दिक में 5 गुण है, संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग और विभाग। मित्रों, इन 5 गुणों के विषय में हमने पहले ही बताया कि ये 5 गुण सभी द्रव्यों में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जीवात्मा में 14 गुण है, बुद्धियादि 9 और संख्यादि 5, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और भावना नाम का संस्कार और संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग, ये 14 गुण जीवात्मा में रहते हैं। मन में 8 गुण रहते हैं, संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व वेग, ये 8 गुण मन में रहते हैं। और परमात्मा में भी 8 गुण रहते हैं, संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग और बुद्धि इच्छा और प्रयत्न। मित्रों, परमात्मा में भी बुद्धि इच्छा और प्रयत्न है, जीवात्मा में भी बुद्धि इच्छा और प्रयत्न है। परमात्मा में जो बुद्धि इच्छा और प्रयत्न है वह नित्य है और जीवात्मा में जो बुद्धि इच्छा और प्रयत्न है वह अनित्य है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। मित्रों, आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, जिससे कि आगे अन्य वीडियो के निर्माण में सहयोग मिल सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।